देख रहे हैं खटपट न्यूज। रायपुर में विधानसभा के विशेष सत्र के लिए रणनीति बनाने को लेकर सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, पूर्व सीएम रमन सिंह समेत सभी विधायक शामिल हुए। बैठक के बाद पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश सरकार के खिलाफ निशाना साधा और कहा कि ऐसी कौन सी आपातकाल की स्थिति आ गई थी जो विशेष सत्र बुलानी पड़ गई। इस सत्र को बुलाने का कोई तर्क और कारण नहीं है। रमन सिंह ने सरकार के नए कृषि कानून पर कहा कि केंद्र के कानून के साथ छेड़छाड़ का राज्य को कोई अधिकार नहीं है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार से 7 करोड़ मिले हैं, उसका बंदर बांट बहुत अच्छे से किया गया है। वहीं मरवाही उपचुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस को मरवाही में हार का भय है, इस वजह से कांग्रेस ने अपना पूरा जोर मरवाही पर लगा दिया है और मरवाही में निश्चित ही भाजपा की जीत होगी। मरवाही में पराजय का भय उनके सिर पे बैठा हुआ है और वो जितने तरीके से रोक सकते हैं, प्रजातांत्रिक अप्रजातांत्रिक तरीके अपनाने का कोशिश कर सकते हैं, कर रहे हैं। पूरी शक्ति लगा दी है, 50 विधायक मंत्री, पूरी सरकार लगी है और एक प्रकार से पराजय का भय उनको दिख रहा है। मगर मैं आपको कहना चाहूँगा कि मरवाही की जनता पूरी ताकत से एकजुटता है और निश्चित रूप से कांग्रेस वहाँ पे पराजित होगी। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी अच्छे से जीतेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़, रायपुर।